क्या योगी का नेतृत्व बीजेपी नेताओं को पसंद नहीं? क्या योगी के कामकाज से खुश नहीं है नेता? क्या पार्टी में बढ़ती बगावत की वजह है योगी? ये सवाल इसीलिए क्योंकि अभी योगी को सूबे की कमान संभाले महज एक साल ही हुआ है और इतने कम समय में ही नेताओं से लेकर विधायकों तक ने योगी पर सवाल उठा दिए। यहाँ तक कि अब तो राज्य के बीजेपी प्रभारी उमा माथुर भी सीएम से खफा हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो पद छोड़ने की धमकी भी दी है। 2019 के चुनाव को लेकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2014 की तरह इस बार भी प्रचंड जीत का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अपनों की बगावत इस सपने को चकनाचूर कर सकती है, क्योंकि जहां छोटे नेता बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं, वहीं अब तो राज्य के बीजेपी प्रभारी ने भी पार्टी की तरफ आंखें तरेर ली हैं। यूपी बीजेपी प्रभारी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर पार्टी से खफा है और इसकी वजह कामकाज नहीं बल्कि सीएम योगी है। सीएम योगी की वजह से ही ओम प्रकाश माथुर ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी भी बना ली। माथुर की नाराजगी का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अमित शाह के 11 अप्रैल को हुए लखनऊ दौरे और 20 अप्रैल को रायबरेली दौरे के समय भी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। दरअसल ओम माथुर योगी सरकार और यूपी बीजेपी में लिए जा रहे संगठनात्मक फैसलों से नाराज हैं। उन्होंने सीएम योगी की शिकायत पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी की थी, लेकिन आलाकमान ने जब इस शिकायत की अनदेखी की तो ओम माथुर ने पीएम मोदी और अमित शाह से यूपी प्रभारी पद से उन्हें मुक्त करने की पेशकश कर डाली। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सूबे में लगातार योगी के नेतृत्व को लेकर बुलंद होते बगावत के सुर पार्टी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अगर जल्द ही अमित शाह और पीएम मोदी ने इन्हें नहीं थामा तो भूचाल आना तय है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।